बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर तुहाडा तुहाडे अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। अज आप गल करांगे बेटा, जो तुहाडा समाजिक सिक्ख्या का पेपर होएगा, चाहे वह आप सितंबर पेपर की गल करिए, ठीक है, चाहे जिहड़ा तुहाडा फाइनल पेपर होएगा, ठीक है, अखीर दे विच, तां उहदे लई तुहाडा जिहड़ा पेपर का स्ट्रक्चर हैगा जां क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हैगा, इस प्रकार का होएगा। लिखती पेपर बेटा तुहाडा 80 नंबर का होएगा भी, ठीक है, तो आंतरिक मुलांकण 20 नंबर का होएगा, जिहदे विच 10 नंबर का तुहाडा प्रैक्टिकल है तो 10 दी सीसी है। कुल मिला के 100 अंक का पेपर होएगा, बट जिहड़ा लिखती पेपर हैगा वह 80 नंबर का ही होएगा। ठीक है, ये आप गल करिए जमात 9th और 10th दोनों के लिए भी पैटर्न सेम ही रहेगा, जमात 9वीं और 10वीं के लिए। इस करके तुसीं ध्यान दे नाल वेख लिओ किवें किवें प्रकार के जिहड़े तुहानूं क्वेश्चन हैगे पेपर के विच आउणगे। ठीक है, जे प्रश्न पत्र की रूपरेखा की गल करिए पुत्तर, तां इहदे विच कुल तुहानूं 6 भाग होणगे भी। ठीक है, भाग ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा ते कक्का। हुण इहनां दे विच अगे क्वेश्चन की वंड वेख लो। भाग ऊड़े की जे आपां गल करिए तां इहदे विच तुहानूं होणगे भी बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जिहनूं आपां MCQs बोलदे हांगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये बेटा तुहाडे कोल कुल 12 प्रश्न होणगे भी। ठीक है, हर एक प्रश्न का एक अंक होएगा 12 अंकों के। बहुविकल्पी प्रश्न तो तुसीं चंगी तरह जानते होंगे, क्वेश्चन दिता जाएगा, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन आउणगे। इस तो बाद जे आपां गल करिए भाग आड़े दे विचों, इह गल जरूर ध्यान दिओ पुत्तर, जिहड़े ये 12 तुहानूं प्रश्न होणगे भी चार ही भागां च होणगे, भूगोल, अर्थ शास्त्र, इतिहास ते नागरिक शास्त्र, चार ही भागां दे विचों 12 क्वेश्चन बनाए जाणगे। तो ये उम्मीद है भी तुहाडी जिहड़ी वर्कबुक हैगी उहदे विचों क्वेश्चन पुछे जाणगे। सैकेंड देखो, भाग आड़े दे विच अपने कोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हुण इहदे विच जिहड़े प्रश्न ने भी वह प्रश्न एक अंक दे होणगे, पर हुण ये भी ये वो प्रश्न ने, जां तां इहनां दा उत्तर तुसीं एक शब्द दे विच दोगे जां फिर वधो वध एक लाइन दे विच। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन ये ने। हुण ये भी 12 क्वेश्चन चार ही भागां चों ने। ठीक है, जिवें भाग एक दे विच अपने कोल भूगोल ते अर्थशास्त्र है, भाग दो दे विच इतिहास ते नागरिक शास्त्र है, तो चार ही भागां दे विचों 12 क्वेश्चन साडे कोल ये होणगे। भाग ईड़ी की जे आप गल करिए बेटा, तो इतने छोटे उत्तर वाले प्रश्न ने, यो छोटे उत्तर वाले प्रश्न ने भी जिन्हों का उत्तर आप 30 से 50 शब्दों के लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपने को 8 प्रश्न होणगे, तो सारे ही प्रश्न तुहाडे लई लाजमी ने, मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं होएगी, जां नहीं होएगी। हरेक प्रश्न में 3 अंक दिते जाएंगे, यानी कि 8 × 3 = 24 अंकों का अपने को यह पार्ट होगा। हुण आ गया पार्ट भाग सस्सा, जां पार्ट डी कह सकते तुसीं इत्थे नूं। तो ये होने वे उत्तर वाले प्रश्न भी। हुण ये तुहानूं 8 प्रश्न दिते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न किन्ने दिते जाएंगे? 8। हल किन्ने करने ने तुसीं? 4। ठीक है, विद्यार्थियों ने 8 प्रश्नों के विचों कोई 4 प्रश्न हल करने ने, तो हरेक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों के विच तुसीं देणगा। यानी कि हरेक प्रश्न का उत्तर किन्ने नंबर का होगा? 4 नंबर का। 4 प्रश्न हल करने ने, 4 नंबर के, 16 अंकों का अपना यह पार्ट हो गया। अगे जो हाँ हाँ स्रोत आधारित प्रश्न, ये बहुत सौखा काम है भी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिहड़ा। प्रश्न नंबर 5 दे विच 4 उपभाग ने, मतलब जिहड़ा तुहाडा स्रोत आधारित प्रश्न उहदे विच 4 प्रश्न पुछे जाणगे, पैरे दे विच तुसीं लभ के करने ने, हरेक प्रश्न दे 2 अंक ने, मतलब ये जिहड़ा सानूं पैरा हैगा इस बार 8 नंबर दा होगा भी। बहुत सौखे ते बिल्कुल फ्री दे नंबर ने, पैरे नूं पढ़ दांगा, प्रश्न दा उत्तर दे देणगा। इस तों बाद आ गया भाग कक्का, इहदे विच नक्शा हैगा। प्रश्न नंबर 6 नक्शे नाल संबंधित है, विद्यार्थियों ने भारत के नक्शे ते वंड तो पहला दे पंजाब दे नक्शे दे विच 8 विचों 6 स्थान भरने ने, मतलब 3 तुसीं भारत के नक्शे च भरना गा जिहड़ा भूगोल नाल रिलेटड है, 3 तुसीं स्थान भरने ने पंजाब बिफोर 1947। ठीक है, पंजाब जिहड़ा 1947 तो पहला वाला मैप है, 3 स्थान तुसीं उहदे विच भरने ने। ठीक है, ये साडे कोल 4-4 अंकां दा गा, 8 नंबर दे अपने कोल 2 नक्शे होणगे। ठीक है, बहुत ईजी पेपर है भी अगर आप गल करिए इतने। ठीक है, क्योंकि 12 तो तुहाडे कोल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने, 12 छोटे क्वेश्चन ने, 24 नंबर तो बिल्कुल फ्री दे ने जिहड़े तुसीं सारे बच्चे लै सकदे थोड़ी जिही मेहनत करके, तो 24 नंबर के छोटे क्वेश्चन ने साडे कोल, 8 नंबर के अपने कोल स्रोत आधारित प्रश्न ने, बहुत सौखे ने भी, तो 2 साडे कोल नक्शे ने। ठीक है, तो इस तरीके का जो पेपर हैगा तुहाडा वो बन जाएगा, तुसीं चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, प्रश्न पत्र की रूपरेखा, बहुविकल्पी प्रश्न 12 नंबर के ने, 12 क्वेश्चन होने एक अंक का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 प्रश्न होने एक अंक का है, 12 नंबर के।
छोटे उत्तर वाले 8 क्वेश्चन आने, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है, टोटल 24 नंबर हो गए। वड्डे क्वेश्चन आने 8, हल तुसीं 4 करने ने, 4 4 नंबर के 16 नंबर के। स्रोत आधारित प्रश्न, ठीक है, पहला आएगा तुहानू, ठीक है, 4 प्रश्न आने, 2 2 अंकों के ने, 8 नंबर हो गया, तो 2 नक्शे आने सानू 4 4 नंबर के, ठीक है, तो यह भी अपने को 8 नंबर का है। टोटल जिहड़ा तुहाडा पेपर है बेटा वो 80 नंबर का लिखते होगा। ठीक है, इत्थे गल होर ध्यान देने योग है भी ये जिहड़ा पेपर है तुहाडा अप्रैल मई जुलाई तो अगस्त बाचों जो सिलेबस के आएगा, जिहड़ा तुहाडा हुण सितंबर पेपर हो रहा है, ठीक है, ये आप सितंबर पेपर की गल कर रहे हैं पुत्र। फाइनल जिहड़ा तुहाडा पेपर है वह पूरे सिलेबस के ही होएगा, ठीक है, तो इसके लिए जिहड़े तुसीं पाठ किए गए इन 4 महीनों के सिलेबस के दौरान उन्होंने चंगी तरह पढ़ो ता जो थोड़े चंगे नंबर इस पेपर के आ सकन। ठीक है बेटा, ओके जी, थैंक यू।